जय हिंद दोस्तों। पीएम मोदी ने देश की 8वीं वंदे भारत को 15 जनवरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन की सौगात दी। ये कार्यक्रम सिकंदराबाद जंक्शन पर आयोजित किया गया। हालांकि हर बार की तरह पीएम व्यक्तिगत रूप से सिकंदराबाद में मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को विशाखापट्टनम की ओर रवाना किया। दोस्तों, अभी जनवरी के स्टार्ट में एमपी को मिलने वाली वंदे भारत ट्रेन की न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई थी और उम्मीद जताई जा रही थी कि 10 जनवरी या इसके बाद कभी भी ट्रेन का उद्घाटन किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक हवाबाजी निकली और कुछ नहीं, क्योंकि जो वंदे भारत मध्य प्रदेश को मिलने वाली थी अब वो मिल चुकी है दक्षिण भारत को। लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश को वंदे भारत क्यों नहीं दी गई, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले आपको सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत का टाइम टेबल और रूट बता देते हैं। ट्रेन नंबर 20833 विशाखापट्टनम सिकंदराबाद वंदे भारत सिकंदराबाद से वीक में संडे छोड़कर बाकी सभी दिन सुबह 5:45 पर रवाना होकर विजयवाड़ा वारंगल के रास्ते उसी दिन दोपहर 2:15 पर सिकंदराबाद आएगी। सिकंदराबाद से वापसी में ये 20834 दोपहर 3 प्रस्थान करके रात 11:30 पर विशाखापट्टनम पहुंचेगी। ये ट्रेन बाकी वंदे भारत की तरह दिन में 2 लगाएगी और 697 किलोमीटर के डिस्टेंस को 8:30 में तय करेगी। दोस्तों, ये तो थी अपने इंडिया की 8th वंदे भारत की बात। अब एक और फैक्ट सामने आया है जिसके मुताबिक मार्च के पहले जयपुर से वंदे भारत चलाई जाने वाली है, लेकिन इंदौर के लिए नहीं, दिल्ली के लिए, क्योंकि अभी 4 पहले जयपुर सिटी सांसद रामचरण बोहरा ने केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करके जल्द से जल्द जयपुर दिल्ली वंदे भारत का संचालन कराए जाने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि जयपुर से दिल्ली जाने में अभी तकरीबन 5 लगते हैं, जबकि वंदे भारत से ये टाइम घटकर 2 के आसपास हो जाएगा। जयपुर से दिल्ली के बीच 310 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इंदौर से जबलपुर और जयपुर के लिए वंदे भारत नाम मिलना सच में उन लोगों के लिए हार्ट ब्रेकिंग न्यूज जैसा है जो बेसब्री से मध्य प्रदेश में वंदे भारत के वेलकम करने के लिए बेसब्र थे, क्योंकि अब तक इंदौर, भोपाल या जबलपुर को वंदे भारत नाम मिल पाना कहीं ना कहीं इन तीनों जगह के सांसदों द्वारा इसके लिए प्रयास ना किया जाना भी एक कारण है। जबकि हम देखते हैं अलग अलग राज्यों के बीजेपी या अदर एमपीज उनके क्षेत्र में वंदे भारत शुरू कराने की डिमांड प्रधानमंत्री मोदी और सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से कर चुके हैं। हालांकि मार्च तक तो भोपाल या इंदौर को वंदे भारत के रैक नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर रेलवे यहाँ वंदे भारत शुरू कर भी देगा तो इस टाइम इस ट्रेन में अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा और ना ही ट्रेन से ज़रूरत जितनी टिकट बिकेंगी, क्योंकि अभी उत्तर मध्य भारत में भयंकर कोहरा पड़ रहा है, जिस वजह से भोपाल शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनें 4-6 तक डिले चल रही हैं। हालांकि मार्च के महीने तक सुबह पड़ने वाला कोहरा भी ना के बराबर हो जाता है और तब तक वंदे भारत के रैक ईजिली भोपाल, इंदौर और जबलपुर को प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे इनके चलने की संभावना कहीं अधिक बढ़ जाएगी। और फिर मध्य प्रदेश के स्टेट इलेक्शन भी नज़दीक हैं, तो ऐसे में संभावना है कि मार्च तक तो ये ट्रेन शुरू हो ही जाएगी। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में वंदे भारत एक्सप्रेस की अपडेट लेकर।